अब सब लोग जिन जिन लोगों ने नहीं बनाया है जीमेल या क्लासरूम या गूगल मीट नहीं खुल रहा है कुछ, तो देखो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका कुछ भी नहीं हुआ है वो पहले जीमेल में जाएगा। ये मेल दिख रहा है, जीमेल एम बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। देखो ये आ गया। अब सबसे पहले हमारे राइट हैंड साइड में सबसे टॉप में ऐसे लेटर दिखेगा, एक ऐसे सर्कल में, वहाँ टैप करेंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ना जीमेल अकाउंट्स आ गए। अब हम लोगों को अपना अकाउंट बनाना है, तो अकाउंट कैसे बनाएंगे? फर्स्ट हमको ना टैप करना है ऐड अनादर अकाउंट, यहाँ टैप किया। अब हमको जी सूट का अकाउंट बनाना है, मतलब गूगल का, तो फर्स्ट हम लोग गूगल पे दबाएंगे। अब देखो मैम ने हमें एक PDF भेजा था जिसमें हमारा अकाउंट था जीमेल का, जो पहले से रजिस्टर है, बस हमको उसे लॉग इन करना है। तो लॉग इन कैसे करना है? तो जैसे देखो जैसे कुछ लोगों का होता है S7B1547. तो मेरा नाम, चलो मेरा नाम अवनी, कैपिटल लेटर में बिल्कुल नहीं करेंगे और बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं देंगे। तो अपना नाम डाला, फिर एडमिशन नंबर डालना है। एडमिशन नंबर सबको मालूम होगा या कहीं लिखा होगा तो देख लेना, तो 8566 ये मेरा एडमिशन नंबर है। फिर हमको डालना है एट द रेट, फिर KVSRO रायपुर, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट में वो पूछेगा पासवर्ड, तो पासवर्ड डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, मैं लिख के बताती हूँ पासवर्ड क्या है। वही चीज़ लिख देना पासवर्ड में, PASSWORD, पासवर्ड। ये पासवर्ड डाल के नेक्स्ट दबाना, तो फिर वहाँ एक और बार पासवर्ड आएगा और नीचे कुछ वर्ड्स लिखे होंगे, उनको लिखना होगा। तो जो एक और पासवर्ड आएगा वो हमको अपने मन से डालना है, जैसे कुछ भी हो सकता है लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है ना, KVSDURG2020, जैसे मैंने ऐसा ना डाल दिया एक कोड पासवर्ड। तो ये पासवर्ड डालने के बाद वहाँ नीचे जो वर्ड लिखा होगा उस वर्ड को ना टाइप कर देना बस, और फिर नेक्स्ट कर देना, तो फिर ना वो अकाउंट बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा गूगल क्लासरूम। पहले हम लोगों को गूगल क्लासरूम को डाउनलोड करना होगा, तो देखो हम लोग प्ले स्टोर में गए और ना फिर यहाँ लिखेंगे गूगल क्लासरूम। ये देखो ये ग्रीन आइकॉन होगा, उस ग्रीन आइकॉन पे ना उस ग्रीन आइकॉन के यहाँ पर इंस्टॉल होगा। उसे इंस्टॉल करने के बाद गूगल क्लासरूम इंस्टॉल हो गया। अब गूगल क्लासरूम खोलेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में सबसे टॉप पे 3 लाइंस दिख रही हैं, उस 3 लाइंस पे टैप करेंगे। अब यहाँ सबसे टॉप में ना एक डाउनवर्ड की तरफ एक एरो दिख रहा है छोटा सा, उस डाउनवर्ड की तरफ के एरो को क्लिक करेंगे तो फिर ये बहुत सारे अकाउंट्स आ गए। फिर हमने जो अकाउंट बनाया था उस अकाउंट पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने बनाया था S7B1547 ये वाला, तो इस पे क्लिक करेंगे। तो ये जो क्लासेस है ये मैंने अपने अकाउंट से बनाई है। तो अब हमको राइट हैंड साइड पे सबसे टॉप पे जो प्लस दिख रहा है उस प्लस पे दबाना है। ये प्लस दबाया, हाँ। अब कोई क्लास कोड, जो मैम हमने क्लास कोड भेजी है उस क्लास कोड को डालना है, तो जैसे कुछ भी क्लास कोड हो सकता है, ठीक है। तो उस क्लास कोड को हम लोग दबाएंगे तो देखो यहाँ ज्वाइन आ गया।
ज्वाइन यहाँ पर ब्राइट हो गया, यहाँ पर ये जो ज्वाइन दिख रहा है उस ज्वाइन पर दबाने से आप ऐड हो जाएंगे और आपका क्लास खुल जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, गूगल मीट में हम लोग जाएंगे, ये गूगल मीट डाउनलोड कर लेना। फिर जैसे ही गूगल मीट में आ गए, हाँ अब देखो, अब यहाँ पर भी जैसे ना गूगल क्लासरूम में था, वैसे भी यहाँ भी थ्री लाइंस दिख रही हैं टॉप पे। उस थ्री लाइंस पे टैप करेंगे, देखो ये वैसा ही आया। तो आप डाउनवर्ड की तरफ जो एरो इस पर क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट चूज़ करेंगे, और फिर जो मैम ने मीटिंग कोड भेजा होगा उस मीटिंग कोड को डाल देंगे, तो फिर आप लोगों का मीटिंग ज्वाइन हो जाएगा। तो अब कोई आप लोगों को अपना परेशानी हो, समझ ना आ रहा हो तो बताना।